नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बड़वानी से आपको बता रहे हैं, जहां छात्रावास की छात्राएं एक बार फिर बीमार पड़ गई। 8 छात्राएं जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत को लेकर सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी निरीक्षण किया है। कुएं के पानी का भी सैंपल लिया गया। बड़ी खबर बड़वानी से, जहां छात्रावास की छात्राएं एक बार फिर बीमार पड़ गई। 8 छात्राएं जिला अस्पताल में एडमिट कराई गई हैं। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत सभी छात्राओं ने बताई। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो कुएं के पानी का सैंपल भी लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची, निरीक्षण किया गया मौके पर। मैं ग्राम एकलवारा का रहने वाला हूं और मेरी पूरी पल्स हॉस्टल में पढ़ती है, कक्षा 10वीं में। तो मैडम ने फोन लगाए कि भैया ये पूरी मतलब बीमार है, आओ आओ ऐसा। तो फिर हमने हॉस्टल में से ले गए, उपला अस्पताल में ले गए, वहाँ से बाटल वगैरह ने ये लगाई दवाई गोली, कोई फर्क नहीं पड़ा। कल दोपहर के बाद से अभी तक पलसुद छात्रावास से कुल 8 बालिकाएं जिला चिकित्सालय बड़वानी में भर्ती हुई हैं और सभी का उपचार विशेषज्ञ एमडी मेडिसिन के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम? कुछ बच्चियों को उल्टी दस्त की शिकायत है और कुछ बच्चियों को पेट दर्द को लेकर के भर्ती किया गया है। बड़वानी से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, छात्राओं की तबियत नासाज होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर पहुंचती है, लगातार इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये का मामला सामने आया, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक ही महीने के अंदर दूसरी बार एक ऐसा मामला आया है जिसमें छात्रावास की छात्राएं बीमार पड़ी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक बार फिर से जो है धरातल पर उतरना पड़ेगा और सभी छात्रावास का जो है पीने के पानी की व्यवस्था और भोजन के व्यवस्था का जो है जायजा लेना पड़ेगा और उसको लेकर के एक कार्रवाई करना पड़ेगी, एक निर्देश जारी करना पड़ेगा, जिसके बाद जो है इन मामलों में जो है स्थिरता आ सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मामला देखा जा रहा है कि फिर से जो है पलसुद की 8 छात्राएं बीमार हुई है और स्थिति यह हुई कि सभी परिजन इस खबर को मिलने के बाद से जो है अपने अपने बच्चों को घर ले जा चुके हैं और जिनकी स्थिति खराब थी वो परिजन खुद लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उन बच्चों को भर्ती कराया गया है। तो एक बार प्रशासन को इस पूरे मामले में फीडबैक लेना चाहिए, अपने अपने छात्रावास अधीक्षकों से बात करना चाहिए और उन्हें दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि हर बार जो है इस तरीके के मामले अगर आ रहे हैं तो ऐसा क्या कारण है जिसके चलते जो है ये मामलों की पुनरावृत्ति हो रही है। दूसरी एक बड़ी चीज ये है कि प्रशासन के द्वारा जो लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं लेकिन अभी तक जो उन सैंपलों की जो जांच रिपोर्ट है कि आखिर क्या कारण रहे हैं इन बीमारियों के होने का, जी ये ठीक है, बड़ा जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस जानकारी के लिए। और अब बात रतलाम से, जहां जावरा में एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। सेंट पीटर स्कूल में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। भारत स्कूल में भारत माता और मां सरस्वती की तस्वीर लगाई और साथ ही स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप भी लगाए। स्कूल प्रबंधन पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। स्कूल में लगाई ईसाई प्रतिमाओं पर लिखा ये तुम्हारी माता है। कक्षाओं में लगे ईसाई धर्म के कैलेंडर भी हटवा दिए। स्कूल में भारत माता की आरती भी की गई। स्कूल का घेराव इसलिए हुआ है कि विगत कई दिवसों से हमारे पास विषय आ रहे थे विद्यार्थियों द्वारा कि स्कूल में जो है धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है कि स्कूल के कैंपस के अंदर एक मंदिर बनाया गया ईसाई धर्म के देवी देवताओं का, उसके ऊपर लिखा था यह तुम्हारी माता है। बच्चों को वो सिखाया जा रहा है कि वो तुम्हारी माता है, जबकि हमारी माता भारत माता है। सुधीर जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधीर, अगर इस तरह के कॉन्वेंट स्कूलों की बात की जाए तो अक्सर ही वहां पर हम देखते हैं कि मदर मैरी की सुधीर से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रतलाम की ये तस्वीरें जहां पर ये हंगामा किया है एबीवीपी ने और क्लासेस से ईसाई धर्म के कैलेंडर तक हटवा दिए हैं, प्रतिमाओं पर जो ये तुम्हारी माता लिखा है उस पर भी इन्हें आपत्ति थी।
सुधीर जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जो इस तरह के स्कूल्स होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स कह लीजिए, क्रिश्चियन स्कूल कह लीजिए, वहां पर मदर मैरी की तस्वीरें या उनकी प्रतिमाएं अक्सर ही लगी होती हैं, फिर क्या धर्मांतरण को लेकर ऐसे इनके हाथ सुराग लग गए जो इनका हंगामा यहाँ देखने को मिला है? स्कूल प्रबंधन के अपने जो एबीवीपी के नेता थे उनका कहना है कि स्कूल में जो प्रतिमाएं लगी है उसके आगे लिखा है कि यह तुम्हारी माता है, और ये बच्चों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी कि यह तुम्हारी माता, ऐसा समझाया जा रहा था कि जो ईसाई जो भगवान होते हैं, जो होते हैं, उनको लेके बहुत सारे आरोप यहाँ पे लगाए हैं। और जो भी स्कूल के अंदर जो कैलेंडर्स लगे हुए थे, जो पोस्टर्स लगे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पे धर्मांतरण ने बच्चों का जो इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए यहाँ भेजते, ना कि फादर और नन बनाने के लिए। तो बड़ा आरोप इन्होंने यहाँ पे लगाया है, हंगामा भी हुआ है स्कूल के अंदर, और आखिर में भारत माता की तस्वीर और सरस्वती माता की तस्वीर लगाकर पूजन किया है। तो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखा, धन्यवाद सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर भोपाल से है, जहां गायों से भरा ट्रक पकड़ा गया। मुबारकपुर रोड पर गाय से भरा ये ट्रक पकड़ा गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले कर दिया। ड्राइवर और क्लीनर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। गाय तस्करी मामले की जांच पुलिस कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं गायों को किस तरह से इस ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। ये गाय है जिन्हें भोपाल में पकड़ा गया है इसी ट्रक में, जहां इस ट्रक में भरकर इन्हें ले जाया जा रहा था। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले इस ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को किया है। गाय तस्करी मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। वासु, जो मामला सामने आया है, हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह इस ट्रक में गायों को भरकर ले जाया जा रहा था, कहां से कहां तक जाना था और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए भोपाल से सटा हुआ जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, उस जगह का ये पूरा मामला सामने आया है और भोपाल ग्रामीण पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बहुत ही बेरहमी से और बेतरतीब तरीके से गाय को, जो कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उन्हें ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। और जब बजरंग दल को इस पूरी मामले की सूचना मिली तो उन्होंने बीच हाईवे पर ही ट्रक को रोका। ट्रक को रोकने के बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें कई सारी जो गाय हैं वो वहां पर नजर आई। फिलहाल इन गायों को छुड़ा लिया गया है और जो ट्रक में ड्राइवर मौजूद था और एक जो कंडक्टर मौजूद था, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी कि ये लोग गाय को भर के कहां से लेकर आए हैं और कहां पर ले जा रहे थे, क्यों ले जा रहे थे। गौ तस्करी के एंगल से भी इस पूरे मामले की जाँच होगी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में तमाम जो धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी, तथ्यों तक पहुंचा जाएगा और इस रैकेट में जो कोई भी लोग शामिल हैं, यानी कि जो कोई भी लोग गौ तस्करी का काम कर रहे हैं और बहुत ही जिस तरीके से उनको वहां पर रखा गया वो काफी बेरहमी से भरा हुआ तरीका है, और इस पूरे मामले को लेकर सख्ती के साथ जो एक्शन है वो लिया जाएगा। जी, ठीक है वासु, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से अभी दो और दिन राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी दो दिन और मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव रहेगा। 29 जुलाई के बाद ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इधर मौसम विभाग ने शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है, तो वहीं प्रदेश में 6 ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक MP में लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम होने की वजह से तेज बारिश का दौर जारी है। अभी और दो दिन राहत फिलहाल नहीं मिलने की उम्मीद है। मिजाज इस वक्त मौसम का है और आने वाले समय के लिए क्या कुछ फोरकास्ट? अभी जैसे देखिए, ये पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, अच्छी खासी बारिश हो रही है। पूरी मध्य प्रदेश की बात करें, 4 जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल मिला हुआ है, और वही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, 3 जगह वेरी हैवी और 9 जगह पे हैवी रेनफॉल मिला है। तो अगले 24 घंटे की बात करें तो कम से कम अपने 6 जिले हैं जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। वो जिले आप देख सकते हैं, ऑरेंज अलर्ट विदिशा, रायसेन, हरदा, बैतूल, बालाघाट, जबलपुर, यहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल 115 mm से 204 mm तक के आसपास हो सकता है। उसके अलावा 16 जिले हैं जो इससे लगे हुए हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया, येलो अलर्ट जारी किया गया, जहाँ 64 mm से लेकर 115 mm तक बारिश हो सकती है।
लोकल राजधानी की बात करें तो अभी आज और कल का दिन अच्छा बारिश में भरा हुआ रहेगा, इसके बाद थोड़ी सी बारिश की स्थिति में कमी आएगी, रिमझिम बारिश होती रहेगी। इधर एमपी में बारिश से कई जिलों में हाल बेहाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। विदिशा में बेतवा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। झमाझम बरसात से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई मंदिर बारिश के पानी में डूब गए हैं। तो जबलपुर के रहवासी इलाकों में इस बार की बारिश आफत बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के चलते कॉलोनियों में सड़कें तालाब बनी हैं और घरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। तो श्योपुर में जोरदार बारिश से पार्वती नदी में उफान है। नर्मदापुरम में पचमढ़ी महादेव मंदिर में पानी भर गया और मंदिर का पहुंच मार्ग झरना बन चुका है। छिंदवाड़ा में बांध के दो गेट खोलने पड़े और शाजापुर में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो पन्ना में भी नदी नाले उफान पर है। अगली खबर नर्मदापुरम से है, जहां भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। पिपरिया के नंदबाड़ा और भूचाल की तस्वीरें हैं। उफंदी नदी को पार कर रहे स्कूल के बच्चे, ग्रामीणों की मदद से नदी पार कर रहे बच्चे जान जोखिम में डालने को ग्रामीण मजबूर हैं। वहीं आगर मालवा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां बीती रात से ही बरसात जारी है, नदी नाले उफान पर है। नलखेड़ा में लखुंदर नदी उफान पर है। बगलामुखी मंदिर के पीछे घाट जलमग्न है। कुछ जगह सड़कों पर जलभराव के हालात हैं। मौसम विभाग ने बताया कि भारी बारिश का अलर्ट है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भले ही एमपी के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरों में जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो लगभग एक जैसा ही है कि पानी ही पानी हर तरफ है। सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, दुकानों में पानी घुसा हुआ है, नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की जान आफत। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी जुड़ रहे हैं, भोपाल से वासु चौरे, आगर मालवा से रजनीश सेठी और नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको तीनों ही चेहरे दिखाई दे रहे होंगे। वासु, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, जो दो दिन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए अपर्णा, मध्य प्रदेश में बारिश थोड़ी देर से शुरू हुई, बादल थोड़ी देर से बरसे लेकिन जमकर बरस रहे हैं और जो एवरेज रेनफॉल होना था उससे आगे अधिकतर जिलों में निकल चुका है। आने वाले दो तीन दिनों में भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कई सारे सर्कुलर सिस्टम बन रहे हैं, कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं, जिसके चलते अधिकतर जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट बारिश का रहने वाला है और झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। लोगों से सावधानी बरतने की जो अपील है वो मौसम विभाग ने की है, क्योंकि कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और बिजली गिरने की भी आशंका बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं, चाहे मध्यप्रदेश की मुख्य नदियों की बात कर लीजिए, नर्मदा, तरप्ती, ताप्ती, बेतवा हो या फिर चंबल नदी हो, सभी उफान पर आ चुकी हैं और छोटे छोटे जो नाले हैं, जो अन्य नदियां हैं, सहयोगी नदियां हैं, उनमें भी लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। कई जगहों पर पुल पुलियाएं डूब चुकी हैं, ऐसे में यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये जो बारिश है ये जरूरत की बारिश है, आवश्यकता की बारिश है, थोड़ी परेशानी हो रही है, उससे बचने के लिए सावधानी पूर्वक अगर लोग रहें तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, अब शैलेंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगी। नर्मदापुरम की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, किस तरह से वहां पर नदी नाले उफान पर हैं और खतरे में सभी की जान दिखाई दे रही है। यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो बारिश का जो सिस्टम एक बार एक्टिव हुआ है सो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदी नाले लगातार उफान पर हैं। पचमढ़ी जटाशंकर महादेव की बात की जाए तो पूरा मंदिर परिसर जो है वो डूब चुका है और पहुंच मार्ग झरने में तब्दील हो गया है। पिपरिया की ही दूसरी तस्वीर सामने आई है, जहां पे नंदवाड़ा और भूचाल जो दोनों गांव हैं वहां पर बच्चे ग्रामीणों के सहारे, चूंकि पुल पुलिया नहीं है नदी पर, तो जान जोखिम में डालकर वो पार कर रहे हैं। हालांकि जब ये खबर प्रशासन तक पहुंची है तो नंदबाड़ा जो गांव है वहां पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग कराने का प्रयास किया है और उस रोक रास्ते को फिलहाल रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी सूचना भी प्रशासन तक नहीं पहुंची। इसके अलावा यदि बात की जाए तो मां नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 945.20 फीट पर नर्मदा का जलस्तर पहुंच गया है। बारना डैम से भी फिलहाल पानी छोड़ा जा रहा है। तवा डैम के जलस्तर में भी लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है। यदि बारिश की बात की जाए तो तकरीबन 38 इंच जो है वो बारिश हो चुकी है और फिलहाल लगातार जो सिस्टम एक्टिव है उसके जरिए लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। शहर का जो मुख्य बाजार है नर्मदापुरम का, वो रोज झील में तब्दील होता नजर आ रहा है। बारिश के हालात जिले में है। आगर मालवा का रुख कर लेते हैं। रजनीश, आगर मालवा के बारे में बताएं, वहां किस तरह के हालात हैं?
जी आप अपना आगरमालवा जिले में बीती रात से तेज बारिश का दौर जारी है, रुक रुक कर कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश लगातार जिले में जारी है, जिसके चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। जिले की जो सबसे बड़ी नदियों में शुमार लखुंदर नदी में इस सीजन में पहली बार उसमें उफान देखा गया, जिसके चलते जो माँ बगलामुखी मंदिर के पीछे जो घाट बने हुए हैं वे भी जलमग्न दिखाई दिए। तो जिले के जो प्रमुख सभी नदी नाले कल बीती रात से जो बारिश हुई है उससे उफान पर हैं और इस बारिश का लगातार इंतजार किया जा रहा था। अभी तक जिले में तेज बारिश नहीं हुई थी, नदी नाले अभी तक उफान पर नहीं आए थे, पहली बार कल रात से जो बारिश हुई है उसके चलते उफान पर आ गए और कई जगह जो सड़कों पर भी राहत की उम्मीद थी लेकिन राहत फिलहाल नहीं मिलेगी अगले और दो दिन। बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर शाजापुर से है जहां सेना में नौकरी के नाम पर ठगी हुई है, 6 युवकों से 36 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। आर्मी में भर्ती के लिए यह ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, शाजापुर में खालसा एकेडमी के नाम से इसका सेंटर था और आर्मी में ये नौकरी दिला देगा इसके नाम पर इसने इन युवकों को ठगा है। 36 लाख से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है शाजापुर में, तो आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं उज्जैन में गश्त के दौरान पुलिस आरक्षक पर हमला करने वाले 3 बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है। पुलिस के शॉर्ट एनकाउंटर में एक आरोपी को गोली लगी है। पुलिस के शॉर्ट एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास कर रहे थे, हमारा जो बीट की पार्टी है वो हेड कांस्टेबल विक्रम और आरक्षक आकाश, इन्होंने इनको पकड़ने के लिए जब परसूट किया और पकड़ लिया तो इसी में से एक आदमी ने हमारे आरक्षक जो है आकाश उसको दाहिनी तरफ चाकू मारा। आकाश और विक्रम ने काफी बहादुरी से उनका पीछा किया परंतु क्योंकि चाकू लगा और ब्लीडिंग होने लगी थी तो अंततः उनको जाने देना पड़ा। इसमें एक 307 का मामला दर्ज किया गया था इसका। अगली खबर भिंड से है जहां जमीन का सीमांकन करने गई टीम पर हमला हुआ है। सीमांकन के दौरान दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक पक्ष ने राजस्व विभाग के पटवारी से मारपीट की, पुलिस ने घायल पटवारी को भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लहार थाना क्षेत्र के केशवगढ़ गांव की घटना है। घटना के दौरान क्या हुआ आपको टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भिंड की तस्वीरें जहां राजस्व विभाग के पटवारी के साथ मारपीट की गई है। जमीन का सीमांकन करने गई टीम पर हमला किया गया। दो पक्षों में सीमांकन के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं, तो एक पक्ष ने राजस्व विभाग के पटवारी के साथ ही मारपीट कर दी। और अब एक ऐसी खबर जो आपको चौंका देगी। दरअसल बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र से 25 गधे, जी हां 25 गधे गायब हो गए हैं और पुलिस शहर में इन गधों को ढूंढ रही है। 4 दिन बीत गए, गधे घर नहीं पहुंचे तो गधों के मालिक कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस से गधे ढूंढने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गधा मालिकों ने कहा कि गधा ही परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है, गधों के बिना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। थाना प्रभारी ने जांच के लिए मालिकों को आश्वासन दिया है। थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी के मुताबिक जल्द ही गधों को ढूंढ निकालेंगे। कहां पर? ये बस स्टैंड एरिया से हनवारा पाली बाजार इधर रहते थे, पानी आने आया तो उसी सामने खोल दिए थे। शाम सुबह 4 बजे आए तो गधे को किसी नहीं भाई बच्चे मिले थे तो। तो अभी आप कहाँ पर आए? मैं अभी 2-3 गधे स्वामी आए थे, बताया कि बोले साहब हमारे गधे, हम प्रतापपुरा शिकारपुरा क्षेत्र में रहते हैं और हमारे गधे 2-3 दिन पहले कहीं पानी में घर से छोड़े थे तो आए नहीं है। हम कैमरे चेक करवा रहे कि हमारे क्षेत्र में गधे आए भी कि नहीं आए, और बारिश के दिनों में क्या है जानवर वैसे भी मक्खी और पानी से बचने के लिए इधर उधर या घास मिलता नहीं तो इसके लिए इधर उधर चले जाते हैं। जिनको तलाश कर रहे हैं यदि हमारे क्षेत्र में अगर आते दिखे, कई कैमरे में दिखेंगे
तो हम उनकी तलाश करें।